हमारे सामने है वीवर्स कम्युनिटी के, वीवर्स एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट यासीन सर, जो न सिर्फ बहुत बड़े जानकार हैं और वीविंग की क्लासेस भी ये लेते हैं। कितने सारे वीवर्स को इन्होंने निकाला है अपना पढ़ाई करा के और उनको ये कला सिखा के, तो आज ये भी अपने सामान के साथ यहाँ पर हैं, साड़ियों के साथ, और हमें जानकारी दे रहे हैं। बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? देखिए ये शिकारगा साड़ी है, शिकारगा जंगला साड़ी, बनारस की कुछ साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, जैसे बूढ़ीदार साड़ी है, जंगला साड़ी है, तो ये जंगला साड़ी है। इसकी खासियत ये है, ये पूरी काढ़ करके बनाई जाती है। अगर इधर से आप देखेंगी तो ये सब एक एक मोटिव को अलग अलग काढ़ा जाता है, ये सब अलग अलग काढ़ा जाता मतलब है, कड़ुआ फिनिशिंग दी जाती है। हाँ, पूरी कड़ुआ है, ठीक है। और एक साड़ी को बनने में कम से कम 30 से 35 दिन लगते हैं। ये प्योर सिल्क में बनी हुई है। तो ये मतलब ताने बहने के बीच में ये काटते हैं? हाँ, ड्यूरिंग वीविंग, ड्यूरिंग वीविंग ही है, मतलब वीविंग भी होती जाती है साथ साथ में, और ये मोटिव भी साथ में काटते जाते हैं। और ये फिनिशिंग बाद में करते हैं, पीछे वाली? हाँ, पीछे वाली फिनिशिंग सर बाद में होती है? नहीं नहीं, पीछे ये इसमें पीछे, कोई कटिंग नहीं है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कड़वा की फिनिशिंग है ये बाद में करते हैं। इसमें देखिए सिल्क में वैसे फिनिशिंग की कोई जरूरत नहीं। जी जी, ऑलरेडी सिल्क तो वैसे ही इतना। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कड़वा जो मोटिफ है सर, उसको जो पीछे पीछे से काटते हैं, हाँ वो उसको करना पड़ता है ना, बैठ के कई लोग करते हैं ना, तो करना पड़ता है। एम्ब्रॉयडरी वीविंग जी, एम्ब्रॉयडरी वीविंग आप जैसे अगर डायरेक्टली इसको बोले तो लाइक एम्ब्रॉयडरी वीविंग, और यही वजह है कि इसका कॉस्ट अधिक होता है, इसका क्योंकि एक बार एक कई लोग बैठते हैं तब जाके एक एक मोटिव को कम्प्लीट करते हैं। दो आदमी बैठते हैं और सबसे बड़ी बात आदमी काढ़ेगा, आधा दूसरा आदमी काढ़ेगा। जी जी, और सबसे बड़ी बात कि यही एक वीव ऐसी है जिसको कोई मशीन कॉपी नहीं कर सकती, इसको कोई भी पावर लूम या किसी भी मशीन से इसको नहीं बना। तो ये हमारी एक बहुत ही अनूठी कला है, हमारी धरोहर है, जिसको हमको बचा के रखना है। ये साड़ियाँ महंगी जरूर होती हैं, इसका कॉस्ट कितना है सर? इसका कास्ट है 35,000। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि पीछे कड़वा वीविंग है तो अपने आप ही 30+ क्रॉस कर जाती हैं साड़ियाँ। हाँ, वेट भी कम होता है, वेट भी इसका कम, वेट भी कम होता है, और इनका जो वेट आता भी है वो उनके मोटिव्स की वजह से आता है, उनके डिजाइन की वजह से आता है। अदरवाइज कतान सिल्क जो है सबसे फाइन सिल्क के लिए जानी जाती है, और इन्हें पहनना बहुत ही आसान होता है। और ये एक मिथ्य है, ये लोगों की गलत परिकल्पना है कि बनारसी साड़ियाँ भारी होती हैं, उनको पहनना बहुत मुश्किल होता है। देखा जाए इसके प्लेट्स और इसकी ग्रिप सबसे ज़्यादा अच्छी पड़ती है, और इन साड़ियों को किसी भी ओकेजन पे पहना जा सकता है, ना कि सिर्फ शादी ब्याह में। तो आज हमारे साथ यासीन सर, उनकी टीम ने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से कड़ुआ वीव को हमें बचा करके रखना है, और इसमें की भी साड़ियाँ एक ही सही पर सबके वार्डरोब में होनी चाहिए, इस तरह से हम इन्हें प्रमोशन दे सकते हैं, नहीं तो हमारे व्यूवर्स खत्म हो जाएंगे। ये शिकारका में भी जंगला है, जंगला मतलब पूरा भरा हुआ जाल और पीछे कड़वा फिनिशिंग, साथ में इसमें जानवर बने हुए हैं, इसलिए इसे शिकारका जंगला बोलते हैं। जंगला मींस जंगल टाइप, देखिए पूरा भरा हुआ है। जंगला इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जाल विथ कड़वा फिनिशिंग, कटवर्क जाल को हम कभी भी जंगला नहीं बोल पाते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटवर्क जाल को हम कभी भी जंगला नहीं बोल सकते, कड़वा वाले जाल को ही हम जो है कड़वा वाले को भी जो है जंगला बोलते हैं, और इसमें शिकारगा भी है साथ में। धन्यवाद सर आपको आपकी जानकारी के लिए।